सीट चढ़ गए लड़के लड़के 10। कंडक्टर पूछे आंटी जी सब बच्चे आपके हैं? पलट के तेवर महिला बोली नहीं का तोहरे बाप के हैं। तो एक हंसी का माहौल बना है। आइए क्रम को फिर वहीं से जोड़ना चाहता हूँ मैं। आइए प्रयाग की धरती पर चलता हूँ। जिस कवि को आंखों में आंखें डालकर सच कहने की हिम्मत है, आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच कह पा रहे हैं। कभी सागर त्रिपाठी जी ने आप जैसे लोगों के लिए लिखा कि सियाह रात में शतरंग घोलता हूँ मैं। प्रयाग से आए हैं और उनको इतना आशीष दीजिएगा, उतना प्यार दीजिएगा ताकि ये जाते वक्त इनके आंखों में आंसू हो और ये जाने कि प्रतापगढ़ के लोग कितने प्रेमी होते हैं, कितने मोहब्बत करने वाले होते हैं। सागर साहब ने आप जैसे लोगों के लिए लिखा अभिजीत भाई की सियाह रात में शतरंग घोलता हूँ मैं। सियाह रात में शतरंग घोलता हूँ मैं, हर एक शय में तुझे ही टटोलता हूँ मैं और सरापा सच हूँ, मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होंठ तो आंखों से बोलता हूँ मैं। आंखों से बोलने के फन से माहिर एक बात अभिजीत मिश्रा अकेला के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो इंग्लिश साहित्य से नेट की परीक्षा भी अभी पास किए हैं। आप लोग एक बार तालियां बजाएं। बागी विकास जी की पंक्तियां हैं कि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंदर बरदाई की पीढ़ी का अभियान नहीं, क्या कहने, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो लिखने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और यकीन करिए मैं प्रयागराज की सरजमी से आया था। कई कार्यक्रम थे इन दिनों, लेकिन आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी चंद्र जी के विषय में रविंद्र भैया ने इतना कुछ बता दिया, मैं उनकी छवि से इतना प्रभावित हुआ कि सर आपकी मोहब्बत है जो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मंच पर उपस्थित दया शंकर सर, राजमूर्ति सौरभ सर और मंच का कुशल संचालन कर रहे रविंद्र भैया और उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। ये एकता का मंच है जहां पर हमदम भाई भी पढ़ते हैं और अभिजीत मिश्रा भी पढ़ता है। तब मुझे चार पंक्तियां मेरी याद आती हैं कि इतना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे। मैं रोज का एक कवि हूं। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले 14 देश के सैन्य अधिकारी शहीद हुए और यकीन करिए मैं अपना काव्य जितनी काव्य पाठ जितनी देर रखूंगा मैं केवल उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में पढ़ूंगा, उन सैनिकों के लिए पढ़ूंगा, उन सैनिकों के वास्ते पढ़ूंगा। क्या कहने, क्या कहने? मैं चार पंक्तियां रखता हूँ। कितना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे, और मुल्क में हमारे हो इतनी एकता दोस्तों कि अगर मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। क्या कहने, क्या कहने? अगर मंदिर जवाब दे, इसका इको भाई थोड़ा सा कम कर दीजिए, मेरी आवाज ज्यादा तेज, वही वाला माइक सही कर दीजिए। मैं एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, अपने तेवर पे आता हूँ। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी कितना सक्षम बोल पाता हूँ, कितना सक्षम लिख पाता हूँ, इसका सबूत आप सब देंगे, सुनेगा। कि काश्मीर तेरी पीर कहती है वक्ष चीर वक्ष पे तिरंगा ही सवार हो। मुझे बताया गया, प्रतापगढ़ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मुझे बताइएगा कि काश्मीर तेरी पीर कहती है वक्ष चीर वक्ष पे तिरंगा ही सवार हो, फिर एक बार हो न फिर बार बार हो, फैसला हमारे हक हो युद्ध आर पार हो, और शान हो महान हो हर ओर हिंदुस्तान हो, जान जानी हो तो फिर मौत स्वीकार हो, और प्राणों की भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने, भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार। आरती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार हो। आप सबको यदि देश से प्रेम हो तो अपने हाथों को कुछ देर के लिए खोल लीजिएगा, शायद जब तालियां उन जवानों की शहादत पर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में होंगी। मैं एक छंद से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ संचालक महोदय और मंच पर उपस्थित कविगणों का भी ध्यान चाहता हूँ। सुनना, एक सैनिक जब सीमा पर जाता है युद्ध के लिए तो क्या कहता होगा अपने परिवारजनों को, सुनेगा कि बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे वो मेरी,
पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे, वो मेरी पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। और माँ से बोल देना अश्रु ना बहाए बेटा, घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। और गुड़िया से बोल देना, अगली पंक्ति एक पत्नी के नाम समर्पित करता हूँ, एक प्रेमिका के नाम समर्पित करता हूँ। महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती महिलाएं बैठी, उनका आशीष मांगता हूँ कि गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखें, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आएगा। आए, 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 क्या कहें? क्या कहने क्या? प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखे, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आएगा। एक सैनिक कैसे जाता है युद्ध पर, कैसे जाता है? सुनेगा कि दुर्गा जी का नाम लेके, काल का आकार लेके, हाथ में हथियार लेके सैकड़ों को मार गया। दुर्गा जी का नाम लेके, काल का आकार लेके, हाथ हथियार लेके सैकड़ों को मार गया। और भुज वो उखाड़ फेंकी बही की जो भारती पे, पग वो उखाड़ फेंके जो जो सीमा पार गया। एक सैनिक किससे हारता है, मैं अगली दो पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं कि पग वो उखाड़ फेंके जो जो सीमा पार गया। और दुश्मनों की बात हो तो कोशिशें विफल रही, दुश्मनों की बात हो तो कोशिशें विफल रही, दुश्मनों का व्यर्थ क्योंकि एक एक प्रहार गया। और एक जंग दुश्मनों से, एक जंग मृत्यु से थी, दुश्मनों से जीत कर मृत्यु से वो हार गए। हाय हाय हाय, वाह। एक जंग दुश्मनों से, एक जंग मृत्यु से थी, दुश्मनों से जीत कर मृत्यु से वो हार गया। हिंदी के विद्वान बैठे होंगे यहां पर, मैं एक क्षण उन सभी के लिए निवेदित करता हूं, मंच का आशीष मांगता हूं। सुनिएगा, हमारे देश में सैनिकों की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए, मैं एक छंद के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। सुनना कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। क्या कहने? वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। और पथ पे चला है रथ, करनी है ये शपथ, पथ पे चला है रथ, करनी है ये शपथ। भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। क्या कहने, क्या कहने? आप सबकी तालियां कमजोर, मैं पूरे सदन से एक बार बजा ले सकता हूं, जोरदार तालियां बजा कर अभिवादन करें। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। मैं इलाहाबाद की सरजमी से आता हूं, प्रयागराज की सरजमी से आता हूं, बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि वो वही सरजमी है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी। जी, और उनकी शहादत पर ऐसी जमी से होकर अगर मैं उनके लिए कुछ ना पढ़ूं तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। जी जी, स्वागत। मैं एक चार छह लाइनों की कविता रखता हूं, चार छह पंक्तियों की, उसके बाद एक मुकम्मल कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा। सुनेगा कि शौर्य कभी तो आगे आकर बोल उठेगा ये भाषा, शौर्य कभी तो आगे आकर बोल उठेगा ये भाषा। पकड़ाया जो सत्ता ने है फेक सियासत का कासा, पकड़ाया जो सत्ता ने है फेक सियासत का कासा। अरे और उतर कर रणभूमि में, और उतर कर रणभूमि में, रणका सूर चुका वीरे, शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुका वीरे। क्या कहने, क्या कहने? शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुका वीरे। और ये पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके सबके समक्ष। ये कुछ तथाकथित लोग जो संविधान के दो चार पन्ने पढ़कर हमें ज्ञान देते हैं, ये वही देश है जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी कहा गया, तब यहां पर खड़ा अभिजीत मिश्रा ये पंक्तियां कहने की हिमाकत करता है। सुनना, शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुका दे रहे। संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, आजाद भगत को आतंकी बेईमान बताने वाले सब, याद करना अपने घर का एक गद्दार जिसने मुखबरी की थी, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी। सुनना, संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, आजाद भगत को आतंकी बेईमान बताने वाले सब। अरे एक विभीषण ना होता, एक विभीषण ना होता, सम्मान भी जिंदा होता। तब अगली पंक्ति पर यदि सच्चाई नजर आए तो हाथ खोलिएगा कि एक विभीषण ना होता, सम्मान भी जिंदा होता तब। अरे देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता। आए, 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 क्या कहने, क्या कहने? देश को, देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता था। और चंद्रशेखर आजाद से यहां सभी लोग वाकिफ होंगे। अगली दो पंक्तियां मैं उनके सम्मान में निवेदित करता हूं कि देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता तब, और यदि आजादी जिंदा होते तब क्या होता। जी, जी। यदि आजाद जी जिंदा होते, कि देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता था, बरे बासंती हवाओं को भी आंधी मिलने वाली थी। यदि आजाद जी जिंदा होते, कि बासंती, बासंती हवाओं को भी आंधी मिलने वाली थी,
47 से पहले ही आजादी मिलने वाली है। वाह वाह वाह, क्या दासंती हवाओं को भी आजादी मिलने वाली थी। अरे 47 से पहले ही आजादी मिलने वाली थी, और अब भी कुछ ना बिगड़ा है। सुन, अब भी शस्त्र उठा दी रे, शीस उठे जो देश के सम्मुख सारे से छुकावे। क्या कहने, क्या कहने। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं एक कविता पढ़ता हूं। एक रचना, और उसके लिए मैं थोड़ा सा माहौल चाहता हूं आप सभी से। पुलवामा हमला हुआ तत्पश्चात ये देश के 14 सैन्य अधिकारी शहीद हुए एक प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, एमआई का। उनकी शहादत पर मेरे हृदय में जो पीड़ा निकली, मेरे हृदय में जो दुख आया, मेरे हृदय का जो मर्म आया, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की। जी, मैंने सोचा एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पर क्या व्यतीत होता होगा, उनकी माँ, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनके क्या दुख होते होंगे, क्या मर्म होता होगा। मैंने उसको एक कविता के माध्यम से बयां करने की कोशिश की है। आप लोग अगर मुझसे जुड़ जाएंगे तो मेरा दावा है कि यह कविता आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर रचना कोई नहीं लिखी, और शायद मैं ये कहने की हिमाकत कर पा रहा हूं। और कितनी सच है ये बात, ये आप सब बताएंगे, आप सबकी गतिविधियां बताएंगे। बिल्कुल, एक बार आप लोग जुड़ जाइए। आदम साहब कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जम नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद है, और कोठियों के मुल्क को मियाद से मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब, आप सबकी तालियां कमजोर, एक बार जोरदार तालियां सदन के लिए, देश के लिए तो होनी चाहिए। सुनेगा, एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पे क्या व्यतीत होता है, जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। जी, स्वागत। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, अरे यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, और लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे को। क्या कहने, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे को। मैं अपनी कविता पे आता हूं, आप सब जुड़िएगा। ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा माहौल मुझे दीजिएगा, मैं कविता हाजिर करता हूं। कि शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। क्या कहने, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। क्या कहने, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद एक माँ की आवाज, एक माँ को कैसा महसूस होता है जब उसका बेटा शहीद होता है, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे, मांगती है माँ मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना, घर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, माँ अतिशयोक्ति कहती है, कहती तिरंगा हटा दो, कारण बताती है, कारण पसंद आया तो आप सबके हाथ खुले कि मांगती है माँ मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना, घर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना, मैं न चाहूं कि मिले उसको ये तिरंगा कफन में, अगली पंक्ति समझ जाए तो हाथ खोलिएगा, कि मैं न चाहूं, माँ कहती है खुददारी के साथ, कि मैं न चाहूं कि मिले उसको ये तिरंगा कफन में, मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में, और माँ की खुददारी देखना, कि मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में, और जब तक जिंदा रहूंगी, माँ कहती है जब तक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद उठाइए, मुल्क जिंदाबाद रहे। मुल्क जिंदाबाद उठाइए, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। कई पत्नियां यहां पर बैठी हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं ये बंद। एक पत्नी, उसको कैसा महसूस होता है जब उसका पति शहीद होता है। पहली पंक्ति यदि कविता समझने वाले बैठे हैं तो पहली पंक्ति से कविता समझ जाएंगे। सुनेगा एक पत्नी की आवाज की मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। एक तुल्ला देखिए, एक तरफ उस विधवा को रखिए और एक तरफ एक तिरंगे को रखिए, और दोनों प्रतिबिंबों को साथ में देखने की कोशिश करिए, कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा।
धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, ओढ़कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, और तोड़कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, तोड़कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। मेरी पूरी कविता एक तरफ, मंच का आशीष चाहता हूं, ये दो पंक्तियां एक तरफ, पूरी कविता एक तरफ, ये दो पंक्तियां एक तरफ, सुनिएगा कि लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों, पूरी कविता की आत्मा निकाल के आप सबके सामने रखता हूं कि सुन, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है, एक बेवा जी रही है ये शहादत कम नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात हो गई। एक बेवा जी रही है ये शहादत कम नहीं है, और राख करने दुश्मन तुझको गर्भ में चिराग रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। क्या कहने। एक कल्पना देखिए, मैंने कल्पना की, एक बहन है जिसकी कल शादी और आज उसका भाई शहीद हुआ, तब उस बहन का मर्म, कई बहनें बैठी हैं, मैं उनको निवेदित करता हूं ये बंद। एक बहन जिसकी कल शादी है, इतनी सी भूमिका है, और आज उसका भाई शहीद हुआ, तब सुनना कि एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है, कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है, इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे, और ये दो पंक्तियां, एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी, और ये दो पंक्तियां, मंच का आशीष मांगता हूं मैं इन दो पंक्तियों पे विशेष तौर पे, सर इन दो पंक्तियों विशेष तौर पे, एक तरफ बहन की विदाई है, एक तरफ भाई की अर्थी, और ये दो पंक्तियां कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया, मेरी जयमाला उतर तेरी कबर पर जा चढ़ी है, मेरी जयमाला उतर तेरी कबर पर जा चढ़ी है, आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है, और थाल में रखी वो राखी, थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है, जाने कितनी बहने ईश्वर से ये भाई मांगती है, और है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, भैया मेरे बाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद। अंतिम बंद और अपना स्थान, अंतिम बंद एक पिता को निवेदित है, परिवार का एक सदस्य होता है, उनके आंसू उनका दुख बयां कर देता है, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन वो रो नहीं पाता है, जिसका कारण महज इतना सा होता है कि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए होते हैं। यहां पर कई पुत्रों के पिता बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बंद निवेदित करता हूं, एक पिता उसको कैसा महसूस होता है जब उसका बेटा शहीद होता है, कि एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है, और देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा, रात से आए सवेरा। एक पिता अपने बेटे की अर्थी को जब कंधे पर रखता है और बचपन याद करता है, जब वो बचपन में भी कंधे पर बिठाता था, तब क्या कहता है कि घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा, अरे अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी, अगली पंक्ति का मर्म समझ आए तो हाथ खोलिएगा, कि अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं, बोले बोले कंधे पे चढ़न की आदतें। एक पिता कहता है ना, बेटा कितना भी नालायक हो, पिता कहता है मेरा बेटा राजा बेटा, आज वो पल याद करके क्या कहता है, मैं विदाई की तालियां मांगता हूं आपसे, सुनना कि बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं, और मैं जिया सुल्तान घर तो, मैं जिया, पिता कहता है मैं जिया सुल्तान घर तो, पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदा। क्या कहने क्या